काले लंबे घने खूबसूरत बाल किसे पसंद नहीं है, सब चाहते हैं कि उनके बाल जो है एकदम से काले रहे, दिखे घने, दिखे खूबसूरत, दिखे और चमकीले भी रहे, रूखे सूखे बेजान से नहीं दिखे। तो अगर ये चाहत आपकी भी है तो भाई बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों वैसे टाइटल और थंबनेल देखे तो आपको समझ में आ गया कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। यस, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ वो है एल्फ गुडनेस प्लस फ्री स्लब का हिबिकस एंड मेथी पाउडर, इसका रिव्यू करने वाली हूँ। एक्चुअली ये मेरा चौथा या पांचवा पैकेट है। मैं तकरीबन 3 या 4 महीने पहले बहुत सारा पर्पल से जो है मैं बहुत सारे पाउडर परचेस की थी, जिसमें से कुछ ऐसे पाउडर हैं जिसको मैं एक बार परचेस की हूँ और दोबारा परचेस की हूँ, और बहुत ऐसे पाउडर हैं जिसको मैं एक बार परचेस की हूँ दोबारा परचेस करने का सोच रही हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, बट बहुत ऐसे पाउडर हैं जिनको मैं बार बार खत्म होता है और मैं बार बार परचेस करती हूँ। उसमें से एक ये भी है जो हिबिकस एंड मेथी पाउडर है। ये इसका मैं हेयर मास्क बहुत टाइम लगाई हूँ और वही आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग में कि भैया कितने ग्राम के पैकेजिंग में आता है, तो 150 ग्राम के पैकेजिंग में आता है। प्राइस की अगर बात करते हो तो 385 रुपए सेल्फ लाइफ की अगर बात करते हो तो 3 साल का सेल्फ लाइफ होता है, यानी कि भैया अगर 2023 में खरीदते हो तो 2026 तक ये चलने वाला है। लेकिन क्या ही चलने वाला है, एक बार ये पैकेट को आप परचेस कर लेते हैं, एक बार अगर आप लगाते हो, अगर आपको मेरे जैसे बाल है तो मेरे जैसे बाल है इतने लंबे से अगर आपके बाल हैं तो एक बार में आधा पैकेट खत्म हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है जब आप इसको ओपन करते हो, तो कुछ इस तरह का जो है ये पाउडर जो है आपको अंदर में हिबिकस और मेथी पाउडर दोनों मिक्स किया हुआ साथ में जो है ये आपको पाउडर मिल जाता है। इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी है, इसके अंदर से आपको हिबिकस यानी कि गुड़हल का और साथ ही साथ मेथी के भी जो है वो खुशबू आती है, जो एकदम से ऑथेंटिक और ओरिजिनल जो पाउडर आप घर में बनाते हो उसकी खुशबू वैसी दिखती है। भैया एल्फ गुडनेस के पाउडर तो अच्छे होते ही हैं। अब इसको लगाने का तरीका एक्चुअली क्या है, आप चाहें तो ये पाउडर जैसे आया इस पाउडर को हल्का आप क्या कीजिए, हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए, उसके अंदर इस पाउडर को डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और अपने बाल में लगा लीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि भैया कैसे लगाएं जिससे इसका इफेक्ट बहुत 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 अच्छा मिले और मेरे बाल बहुत दिनों दिन मेरे बाल मजबूत दिखे, घने होते जाए, बालों की जो टूटने की झड़ने की परेशानी है वो भी परेशानी दूर हो जाए और मेरे बालों में चमक और शाइन आ जाए, तो फिर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने आपको बाल में लगने वाला है उसके हिसाब से जो है आप पाउडर को आप ले लेंगे। एक बाउल में जो बाउल होगा प्लास्टिक का ले लीजिए, आप कांच का ले लीजिए या फिर पुडेन ले लीजिए, बट स्टील का ना ले तो बेटर होता है। ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा बाउल लीजिए ताकि उसको मिलाने में आपको बने। ओके, अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको ये तो पाउडर आपने ले लिया, अब इसके अंदर जो आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है दोस्तों वो ऐड करना है दही। दही जो आप लेते हो ना वो हमारे हेयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे हिबिकस और मेथी अपने आप में बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है हेयर के लिए कि रूट को ना स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके जो बाल जो एकदम जड़ से टूटते हैं गिरते हैं उसको मजबूत बनाता है, वैसे ही मेथी का काम होता है आपके रूखे सूखे बेजान बाल में नई जान लाना और जो आपके बहुत ज़्यादा बाल टूटते गिरते झड़ते हैं उसको रोकना। अब दही का काम होता है आपके बाल में एक बेस्ट कंडीशनर का काम करता है। दही क्या करता है, बेस्ट कंडीशनर का काम करता है। चाहे आपके बाल कितने ही रफ क्यों ना हो, आपके बाल में कितने ही शाइन की कमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस हेयर मास्क को लगाते हैं तो आपको ये परेशानी एकदम से खत्म होने वाली है। तो दही आप ताज़ा दही नहीं लोगे, दही आप लोगे तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन पुराना जो दही बचा होगा ना वो दही जो है आपको इसके अंदर मिक्स करना है। उतना दही आप इसके अंदर मिक्स कीजिए जो कि ये आपका हेयर मास्क जो है ना अच्छा सा बन जाए।
कि ये हेयर मास्क है इसको पतला आपको नहीं बनाना है ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, वो जो डोसा का जो बैटर होता है ना वैसा आपको बनाना है, ठीक है। अब जो दोस्तों आपको इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है बेस्ट हेयर मास्क के लिए, इस हेयर मास्क में जो आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है दही के बाद, आप उसको उसके अंदर आप कैस्टर ऑयल यूज करोगे। कैस्टर ऑयल बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए, रीग्रोथ कराने में की क्षमता रखता है। अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे मीन्स टूटते ही रह रहे बस बढ़ते नहीं है निकलते नहीं है, तो उसकी परेशानी को दूर करता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको कितना लेना है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब में, 2 स्पून के करीब में कैस्टर ऑयल आप ले लेंगे। उसके अंदर जो आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है दोस्तों, अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करोगे, तकरीबन 3 या 4 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करोगे। बट अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो 2 स्पून विटामिन ई ऑयल ऐड करोगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबको अच्छे से करना है एकदम मिक्स, एकदम अच्छे से मिक्स करना है। चाहे आपके बाल में ऑयल लगा हो चाहे बाल में ऑयल नहीं लगा हो, जैसा भी बाल हो आप आराम से लगा सकते हो। जब भी आपको शैम्पू करने जाना होता है ना, अगर आप मुझसे पूछते हो बेस्ट अगर रिजल्ट चाहते हो तो इस हेयर मास्क को अपने हेयर के ऊपर 3 घंटे तक लगा के छोड़ना है, 3 आवर्स के लिए लगा के छोड़ना है। लेकिन भैया उतना टाइम नहीं है, 3 घंटा कौन लगा करके अपने बाल में रखेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एटलीस्ट 1 आवर तक तो रखना ही आपको, 1 आवर से कम नहीं रखना है। यानी शैम्पू करने के 1 घंटा पहले आपको इस हेयर मास्क को लगाना है। हिना अप्लाई कैसे करते हो, मेहंदी कैसे लगाते हैं बाल में, जिस तरह से लगाते हैं ना वैसे ही आपको लगाना है, यानी ऊपर की तरफ से भी लगाना है अंदर से भी लगाना है, वैसे ही आपको हिना अप्लाई के जैसे आपको लगाना है और इसे छोड़ देना है 1 आवर टू 3 आवर्स के बीच में। उसके बाद आपको जब लगता है कि भैया 1 घंटा हो चुका है, उसके बाद आपको जाना है जैसे नॉर्मल शैम्पू करते हो वैसे ही शैम्पू कर लेना है। जब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, यानी कि हेयर को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जहाँ आपका हेयर ड्राई होता है ना, आपके हेयर में एक अलग सा कलर दिखता है, एकदम से इतना खूबसूरत आपके बालों में कलर आता है ना। अब आपके मन में बहुत आपके मन में होगा कहीं ये लाल रंग के तो नहीं मेरे बाल नहीं हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे। वो जो कलर आता है ना, वो गजब का शाइन आपके हेयर में लेकर के आता है। जब आप धूप में जाते हो तो आपके बाल बहुत शाइन करते हैं और आपके हेयर में एक अलग वही बोरिंग सा ब्लैक कलर दिखता है। धूप में जाते भी हो तो हेयर में वही बोरिंग सा ब्लैक कलर दिखते हो, चाहते हो कि थोड़ा चेंज हो बट हेयर कलर मुझे अलग ना करना पड़े, तो भाई ये हेयर मास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ तक बात है इसको लगाने की उम्र क्या है, कि बच्चे की उम्र हो गई है 13-14 साल की है तो आराम से इस हेयर मास्क को आप लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई खराबी करने वाला नहीं है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मन में होगा ये कहाँ मिलेगा, ये अमेज़न और पर्पल दोनों पे मिलेगा।